पिताजी जीवित है इस बारे में बार बार विचार, इसके बारे में बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक लड़का मेरे पास में आया, अप्रॉक्सीमेटली 35 साल की उम्र, और उसके पिताजी सडनली हार्ट अटैक से 15 दिन पहले गुजर गए। चलते फिरते, सुबह उठे, ब्रश वगैरह किया, स्नान करने के लिए गए, स्नान करके बाहर आए और वैसे ही वहाँ कोलैप्स हो गए। तो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने बताया कि नहीं नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने कोशिश किया डॉक्टर ने, मगर कुछ हुआ नहीं। तो उनको किसको एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि भाई मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है करके। फिर उन्हें मतलब जो भी करना था वो किया, डॉक्टर को और डॉक्टर को बुलाया, मतलब कुछ हुआ नहीं। अल्टीमेटली अंतिम यात्रा शाम को हुई और बाद में उसको ऐसा लगा कि भाई अपने पिताजी जीवित है और अपन ने जीवित व्यक्ति को ही मतलब जला दिया। और उसको बार बार उनका चेहरा दिख रहा, बार बार ऐसा लग रहा कि नहीं, मैंने कुछ तो भी करना चाहिए था, डॉक्टर ने बराबर देखा नहीं, डॉक्टर ने बराबर इलाज नहीं किया, दुगदुगी उनके उसमें होंगी और हमने बहुत जल्दी किया और उनको हमने जला दिया। तो बार बार विचार आ रहे और उसमें फिर उसको इतना गिल्टी लग रहा, बहुत ज़्यादा गिल्टी, अपराध बोध की भावना कि भाई मैंने ऐसा कैसा किया। और उसको किसी को मतलब बोलने के लिए भी तकलीफ, किसको बोल भी नहीं रहा हो, क्योंकि उसको लग रहा है कि समझो बाकी भाइयों को बताया जो बाहर गांव के थे, कुछ इतने दूर थे कि वो आ नहीं सके, और एक भाई आ भी नहीं सका, तो बोले उसको बोलूँ क्या मैं कि वो आया भी नहीं, मतलब वो इतना दूर आ नहीं पा रहा था, उसका कोई उसमें अड़चन थी, तो अंत्ययात्रा को अंतिम समय आया नहीं हो, तो उसको क्या बोलूँ मैं, तो किसको बोल नहीं पा रहा था। और फिर उसको पिताजी सपने में आना चालू हो गए और वो आके बोलते, अरे मैं तो जिंदा हूँ, तूने मेरे को ऐसा कैसा जला दिया, मैं तो जिंदा था। वो बार बार विचार आ रहे, तो खाना पीना बंद, 15 दिन के अंदर 5 किलो वजन कम, बहुत ही एंग्जाइटी, डिप्रेशन, विचार, तो ऐसा वो आया मेरे पास में, बोला भाई ये OCD का मामला है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मैंने उसको ये बोला कि भाई ये विचार तुम ला रहे कि ऑटोमेटिक आ रहे, बोलेगा तो ऑटोमेटिक आ रहे, बोला ठीक है गुड। और ये बताओ कि आपने एक डॉक्टर को बताया कि और डॉक्टर को बताया, मैंने बोला, बोले उन्हें दो डॉक्टर बुलाया, बोले उन्होंने कोशिश किया, बोले उन्होंने कोशिश किया, डॉक्टर ने बोला कि वो गए, हाँ, बोला डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला कि वो मर गए, बोले उन्होंने ECG निकाला घर पे, बोला अच्छा ECG निकाला तो ECG में क्या हुआ, बोले ECG में फ्लैट रेश आई थी, बोला ECG में भी फ्लैट रेश आ गए, डॉक्टर ने बताया कि वो मृत है, और आपने उनको कब जलाया, बोले सवेरे ये 8:30 घटना होगी और हमने 4 बजे अप्रॉक्सीमेटली 4-5 बजे अंतिम संस्कार किए होंगे। मतलब फिर समझो जीवित है तो कुछ ना कुछ तो हलचल होती थी, कुछ ना कुछ तो होता था, बोले हाँ। फिर मैंने ये उसको मतलब एक सेशन में तो हुआ नहीं है, 2-3 सेशन मुझे करने पड़े, मैं आपको एक सेशन में बता रहा हूँ कि मैंने उसको बोला कि लॉजिकली ये कहाँ बैठता है, लॉजिकली तो कहीं बैठता ही नहीं है कि भाई वो जीवित होंगे, बोले हाँ आप तो बात बराबर कह रहे, मगर वो मुझे विचार आ रहे। मैंने हाँ ठीक है, फिर उसको प्रेजेंट हो जाओ कि भाई आपको ये विचार आ रहे हैं, ये हकीकत नहीं है, लॉजिकली कहीं बैठता नहीं है, दो डॉक्टर ने उनको घोषित किया कि वो मृत है, ECG निकाला, आपने उनको शाम तक रखा, ऐसा कोई भी आदमी ऐसा कैसा पड़े रहेगा कि जीवित है और तभी भी कुछ हलचल नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही और पड़े है ना, समझो सवेरे 8 बजे घटना है, शाम को 4 बजे आपने अंतिम संस्कार किया, मतलब 8 घंटे ऐसा कैसा पड़े रहेगा आदमी वैसे की वैसे, तो ऐसा भी संभव नहीं है, बोले हाँ। फिर बोला ये आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी, OCD की, जिसमें बार 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 विचार आ रहे। बोले ठीक है आप जो भी बोलना है बोलो, मगर मुझे विचार तो आ रहे हैं और मुझे वही लग रहा है कि नहीं मैं तो मतलब वो लॉजिक में कहीं फिट नहीं होता, तभी भी उसको लग रहा है कि नहीं वो जीवित होंगे और मैंने जाके जीवित ही जलाया, बस वो विचार आ रहा है। और उसको फिर वो क्या होता है कि कोई भी विचार बार 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 के बात आए तो वो सच लगने लगता है, तो और उसको सच लगने लगा। मतलब अभी आप पहले क्या करो कि भाई सबको बता दो जो आप छुपा रहे, घर के लोगों से, भाइयों, सबको बोलो कि भाई ऐसा ऐसा विचार आ रहा है मुझे, खोल दो सभी, ऐसा दिमाग में मत रखो, तो फिर लोग सपोर्ट आपको करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने भी तो देखा है घर में, बाकी भी लोग थे, ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं है कि, बोले हाँ। फिर उसको मैंने क्या होता है कि इसमें SSRI जो ग्रुप ऑफ ड्रग्स है काफ़ी अच्छा काम करता है, क्लोमिप्रामिन अच्छा काम करता है, तो मैंने उसको दवाई दिया, मतलब धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे दवाई, और फिर उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और हिप्नोथेरेपी कंबाइन उसको करने लगा। उसके लिए वो आया कुछ सेशन मेरे पास में और धीरे 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 वो ठीक होना शुरू हो गया। बोले अभी मुझे लग रहा है कि नहीं ठीक है, अभी मैं क्वाइट हूँ और वो विचार कम हो गए करके। तो इस तरह का ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बीमारी होती है, कब क्या चालू होगा दिमाग में
और कहाँ खटका उड़ जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते हैं। और ये अचानक नहीं होता है, क्या है कि ये लोगों की ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी भी होती है। और ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी का मतलब ऐसा कि पहले से इनका स्वभाव ऐसा रहता है कि ज़्यादा सोचने वाला, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निगेटिव सोचना, बहुत ज़्यादा टाप टिप रखना, साफ सफाई रखना, टू द पॉइंट सब काम करना, चीज़ें हर जगह जगह पे बिल्कुल रखना चाहिए वैसे रखना है, मतलब ऐसा ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी जो रहती है, परफेक्शनिस्टिक पर्सनैलिटी, वो वैसे रहती है। और बाद में फिर ये कहीं तो भी कुछ तो भी हो जाता है, बाद में उसका भड़का उठ जाता। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको पुराना नहीं होने देना है। यदि पुरानी बीमारी हो गई तो फिर उसको ठीक करना कठिन हो जाता है। लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मत सोच, कुछ नहीं होता है, ऐसा चलते रहता है, पागल है क्या तू, ऐसा नहीं करना है। फिर साइकेट्रिस्ट की तरफ कोई जाने लगा, बोले तू पागल नहीं हुआ, क्यों जा रहा है। तो इस तरह उसको जाने देते नहीं, इलाज नहीं करने देते हैं, धीरे धीरे वो बीमारी बढ़ती जाती है। तो तुरंत ही वहाँ इलाज किया, शुरू शुरू में इलाज किया तो अच्छा रहता है। इसलिए लोगों का सेंसिटाइजेशन होना जरूरी है। और ऐसा कुछ आपको दिखता है कि बार बार विचार करता है, वही वही सोचता है, तो उसको तुरंत उसका इलाज करना जरूरी है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं। और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।